दोस्तों नमस्कार, आप देख सकते हैं ये साउंड क्राफ्ट का मिक्सर है FX12। इसमें क्या दिक्कत थी कि इसका जो इफ़ेक्ट का फिल्टर है, ये आप देख सकते हैं, ये इफ़ेक्ट का फिल्टर काम नहीं करता था। कभी कभी काम करता है तो कभी लेफ्ट में इफ़ेक्ट देता है, कभी राइट में देता था, कभी राइट में देता ही नहीं था, ऐसा कुछ दिक्कत था। तो और इसमें जो है ये दो फिल्टर जो है ये जो है कि काम नहीं करते थे, बट बीच कथा में या बीच प्रोग्राम में फंस जाते थे या रुक जाते थे। तब मैंने इसको क्या किया है कि अभी आप देख सकते हैं इसके पीछे मैंने इन फिल्टर को डायरेक्ट यानी कि कर दिया है, जो कि ऊपर गेन से ही कंट्रोल होगा, बाकी नीचे से आप यहाँ देख सकते हैं ये डायरेक्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को मैंने डायरेक्ट कर दिया है, और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट का फिल्टर है। मैंने इसको स्टीरियो है ये, क्योंकि ये अंगत ट्राइट अंगत अंगत बनाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने जो है इसको ये दोनों को शॉर्ट कर दिया है, ये अंगत ट्राइट दोनों को शॉर्ट करके, और ये आप देख सकते हैं फिल्टर से मैंने इसका काम ख़त्म कर दिया है। अब इफ़ेक्ट जो इसका कंट्रोल होगा वो सिर्फ हर चैनल के जो नॉब होते हैं इफ़ेक्ट के, वहीं से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से दिखता है ये। तो अभी क्या है कि नवरात्रि का टाइम आ रहा है, तो मैंने 2-3 कथाएँ ले रखी हैं इकट्ठे, तो सारे मिक्सरों की रिपेयरिंग चल रही है अभी। ये यमहा MG166CX, इसको भी थोड़ा काम था, इसका भी इफेक्ट वगैरह दिक्कत कर रहा था, तो मैंने इसको भी डायरेक्ट कर दिया है, और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आप देख सकते हैं ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है। थोड़ा सा इसको धोएंगे अभी और अच्छे से चमकाएंगे, उसके बाद अपना प्रोग्राम निपटाएंगे। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर आपके मिक्सर में भी कोई दिक्कत आती है ऐसी, तब आप इसको इसी तरीके से डायरेक्ट करके काम कर सकते हैं। इसके फिल्टर को चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप साउंड क्राफ्ट का ओरिजिनल पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कॉपी वाला अच्छा काम नहीं करता है और इस मिक्सर की जो गारंटी है वो घटिया हो जाती है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो अभी इन दोनों में से किसी भी मिक्सर पे वीडियो चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, और बाकी ये तो बहुत पुराना वर्जन है, आप समझ ही सकते हैं, बट अभी भी काम कर रहा है अच्छा खासा। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।